नमस्कार जी, मेरा नाम सनम चोपड़ा है। मैं पीएमपी एंड एसोसिएट में जोनल मैनेजर हूँ। ये कंपनी हमारा पलका, डोरमैक्स, सिटोफेक्स, टेक्लोटार, फ्लोराटेक ये प्रोडक्ट्स लाती है। इस समय मैं यहाँ पे बखोल में हूँ, आरएमएस बखोल। संजीव चौहान जी का बगीचा है। संजीव चौहान जी को पूरा स्टेट जानता है, सभी सेब के बागवान जानते हैं इनके। ऑर्चर्ड ब्लूम के नाम से इनका एक मैगजीन भी आता है, आप सभी जानते हैं। मेरा यहाँ पे आने का मकसद है, संजीव चौहान जी ने अपने बगीचे में पलका डाली इस साल। तो हमने एक पहले भी वीडियो बनाया था, उस समय जब हम अप्लाई कर रहे थे, तो उस समय हमने जैसे कहा था कि हम बाद में फॉलोअप भी करेंगे। तो इस समय मैं पहली बार आया हूँ डालने के लगभग 40 दिन के बाद, कि फर्स्ट फॉलोअप में इनका क्या इम्प्रेशन है। आगे एक और फॉलोअप किया जाएगा लगभग 40-45 दिन के बाद दोबारा से। तो यहाँ पे आकर जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो तो बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से तो पलका का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ पे। बट हम बागवान की जुबानी जानते हैं, संजीव जी से जानते हैं कि इन्हें कैसा परफॉर्मेंस लग रहा है पलका का। संजीव भाई नमस्कार। नमस्कार संजीव भाई, आपने इस साल पलका डाला अपने बगीचे में, जो कि आपने खर्चा किया इसके ऊपर, है ना जी। अब यहाँ पे मेरा ये जानने का मकसद है कि आपका मैसेज यहाँ पूरा स्टेट में फैल सकता है, कि जो आपने पलका पे खर्चा किया है उसका आपको फायदा दिखा, क्या दिखा और क्या उसके रिजल्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी मुझे पलका डाल के 40 दिन हुए, लेकिन जो 40 दिन का मेरा अभी तक जो पूरा अपना एक्सपीरियंस है, हाँ जी, कहीं ना कहीं उस पलका का जो है वो इम्पैक्ट जो है मेरे प्लांट्स और लीव्स पे दिख रहा है। अच्छा जी। उसके लिए कारण ये है कि मैंने इस बार किसी भी तरह का जो केमिकल है वो अपने ऑर्चर्ड में नहीं डाला था। अच्छा जी। ना सुपर डाली है, ना पोटाश डाला है। हाँ जी। और मैंने पहले भी सोचा था कि मैं इस बार केमिकल फ्री जो है वो फार्मिंग करूंगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। कुछ न्यूट्रिशन की जो प्लांट को जरूरत होती है उसको मिलना या देना बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो हमने किसी से पूछा कि ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है, हाँ जी, जो कम से कम लीच करता है, हाँ, और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देता है। हाँ जी। तो हमें किसी ने बोला कि आप जो है पर्ले का ट्राई करो। हाँ जी। और अगर उसको सही तरीके से ऑर्चर्ड में एप्लीकेट किया जाता है तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। हाँ जी। तो हमने आपकी ही सहयोग से उसको, जैसा आपने बताया, हमने उसका जो है उसको वैसे ही एप्लीकेट किया, और जहां 40 दिन में जो है वो मुझे सबसे अभी तक का बेस्ट रिजल्ट जो है ना वो मेरे ऑर्चर्ड में विद आउट किसी भी तरह का दूसरा जो केमिकल है वो कोई और खाद नहीं डाली मैंने इस बार। ना पोटाश डाला है ऑर्चर्ड में, ना ही सुपर डाला है किसी भी, ना कैल्शियम नाइट्रेट किसी भी कंपनी का नहीं डाला मैंने। अच्छा जी। बेसिकली कैल्शियम नाइट्रेट हम डालते थे पहले, लेकिन लीचिंग की वजह से वो प्लांट को कम मिलता था, तो कॉस्ट हमारी जो है दिनों दिन बढ़ रही थी। इस बार हमने कुछ ऑर्गेनिक साइड से हमने काम किया है उसको लेके। ऐसा नहीं है कि ऑर्चर्ड में जो है कुछ डाला ही नहीं गया है, वो डाला गया, लेकिन जो केमिकल है वो ओनली पर्ले का ही यूज किया गया था। हाँ जी। उसका सबसे मेन कारण ये था कि क्योंकि वो पहली बात वो फर्टिलाइजर जो है लीच, हाँ लीचिंग नहीं है उसकी। हाँ जी। दूसरी बात ये है कि वो 90 दिनों तक अपना काम, हाँ जो है वो ऑर्चर्ड में काम करता है। आपको अभी भी दाने दिख रहे हैं इतनी बार से होने के? अभी भी दिख रहे हैं। हाँ जी। दाने अभी भी दिख रहे हैं, और धीरे धीरे जो इम्पैक्ट जो है ना दिनों दिन, जितनी बार भी मैं ऑर्चर्ड में आता हूँ तो उसका कहीं ना कहीं मुझे उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है ना वो लीव्स में, प्लांट्स में, फ्रूट्स में वो दिखता है। हाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर हमारे पास ये रेड लव वेराइटीज है, रेड लव ओडसो। हाँ तो इसमें हमने एप्लीकेट किया था पर्ले का शुरू सबसे पहले। अच्छा, तो यहाँ तक मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उसके फ्रूट पे भी शायद हाँ, क्योंकि मैं एक टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, हाँ शायद उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। तो मैं आपको थोड़ा फ्रूट का ना शेप दिखाना चाहूंगा। हाँ, ये रेड लव ओडसो वेराइटी है। तो मतलब जहां तक मैंने भी देखा है कि रेड लव जो वेराइटी है वो थोड़ा गोल शेप आती है, तो अच्छा। उसका इम्पैक्ट दिख रहा है कि कुछ ना कुछ जो लीफ, हाँ लीफ्स का जो इम्पैक्ट है वो फ्रूट पे भी आया है। देखो मेरा हाथ जो है लगभग 6 इंच का है और इससे बड़ा पत्ता बड़ा जबकि रेड लव की जो लीव्स हैं, और अगर आप देखना चाहेंगे ये रॉयल है 35 साल का है, और इसकी लीव्स का साइज देखिए। हाँ जी। और किसी भी तरह का वो देख सकते हैं आप, हाँ काफी अच्छा है। और ये रॉयल है, रूट रॉयल का जो फ्रूट है वो आपको मैं दिखाऊंगा, ये रॉयल का फ्रूट है। हाँ जी। हाँ जी। कहीं ना कहीं जो उसमें कैल्शियम, हाँ अगर उसके अंदर जो कैल्शियम है वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है फ्रूट, हाँ जी, का सेल डिवीजन में बोलते हैं कि उसका बहुत बड़ा रोल होता है, हाँ जी, कैल्शियम का, तो शायद वो काम
कर रहा है मेरी नजर में। ये ना संजीव भाई, रेजिड्यू फ्री प्रोडक्ट है ये। और ये एक और वैरायटी है। मैं स्केल लेके आया था कि बागवानों को दिखाया जाए कि कितना लंबा पत्ता बना है पलका से, बस ऐसे ही नाप लें। ये देखिए ये सेंटीमीटर्स में है रखे हैं। इस समय आप देखिए मई है और 14 सेंटीमीटर का पत्ता बन रहा है। ये हाँ, 14 सेंटीमीटर का लीफ जो है, हाँ जी, ये छोटे प्लांट में जो है ना, हाँ जी, वो बन रहा है 14 सेंटीमीटर। हाँ जी, हाँ जी, 14। और ये रॉयल रॉयल भी है ना आपके पास, ये 35 साल का प्लांट है, 35 इयर्स का। हाँ जी, और इसका पत्ती के लीफ साइज देखिए अभी मई में आप। ये देखिए आज हम 19 मई को आज बोर्ड भी डाले हैं हमने, ये 14 अभी लगभग ये और लंबा होगा। हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो सबसे ज्यादा है वो ये गाला हाँ का जो पत्ता है वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। उसका जो साइज है वो साइज जो है ये देखिए साइज, हाँ जी, 15 है ना जी। और आप बागवान अपने बगीचों में देख सकते हैं इस समय, जो जिन्होंने पलका नहीं डाला है उनका साइज कितना है, 15। और इसका जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई आपको ये चौड़ाई आप देखिए इसकी, यहाँ से चौड़ाई देखिए इसकी सर, 9 है ना, 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर की चौड़ाई। और आप देखिए जो ग्लॉस है पत्ते में, जो शाइन आ रहा है ये पलका का इसमें है ना संजीव भाई। और आपको इसका जो नीचे खरपतवार वगैरह आते हैं उस पर कुछ दिखा है आपको इसका रिजल्ट? वो बेसिकली हुआ क्या है कि हमारा पहले तो दिख रहा था, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा खाद नीचे चला गया, क्योंकि मिला दिया आपने, मिला दिया इसको थोड़ा सा, अच्छा, इसलिए थोड़ा नीचे चला गया। लेकिन उसका इम्पैक्ट है, कहीं कहीं जहाँ पर ऊपर रहा है वहाँ इम्पैक्ट पड़ा है उसका। हाँ जी, जैसे ये है इसमें शायद इम्पैक्ट थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है। अच्छा जी, बाकी में हमने थोड़ा खुदाई कर दी थी इसलिए वो नीचे चला गया। घास कम आया, घास कम आ रहा है। इशू हमारा ये नहीं कि घास कम आया कि नहीं आया, लेकिन हमारे को जो असली चीज है कि जिसलिए हमने डाला है इसको, हाँ जी, क्या वो काम कर रहा है। मिट्टी देखने दिखाएंगे आप, मिट्टी कैसी है आप हाथ डाल के बागवानों को? मिट्टी तो अभी सारी भुरभुरी है, सारी मिट्टी सॉफ्ट है। ये सॉफ्ट है ना? और ये आपको एक चीज बताऊंगा, इस प्लांट में जो है रूट रॉट की शिकायत आई थी, हमने यही वीडियो बनाया था ना इसी प्लांट में, इसी प्लांट में बनाया था। और जब आप, अब मैं टेक्निकली तो नहीं बोल सकता कि पलका ने काम किया, लेकिन इसमें कुछ और ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन अब इसमें इस रूट रॉट वाले जो प्लांट में है ना वो नया ग्रोथ चल पड़ा है, नया ग्रोथ आया है। अब मेरे हिसाब से अच्छा, यहाँ पर नया ग्रोथ आया है, हाँ, अच्छा साइन माना जा सकता है कि प्लांट शायद रिवाइव हो जाएगा। उसमें कहीं ना कहीं पर्लका का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि पर्लका डालने के बाद ये शूट्स जो है वो आए हैं इसमें। तो अभी भी न्यू ग्रोथ, पत्ते भी कैसे हैं, पत्ते अच्छे हैं, देखो पत्ते भी ठीक है। नहीं, सबसे बड़ी बात है न्यू ग्रोथ मूवमेंट प्लांट्स है, खींचा है, नई ग्रोथ आई है, वो इसका मतलब कि प्लांट रिवाइव कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तो वो चीज है, मतलब वो चीज सबसे बड़ी बात है कि रूट रॉट, हाँ जी, ना वो सबसे बड़ी समस्या है। अगर वो इससे कंट्रोल होती है या हाँ प्लांट का ग्रोथ हैबिट अच्छा होता है, हाँ, तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ये मतलब पिछले 2 साल से रूट रॉट का ट्रीटमेंट हो रहा है इस प्लांट का। अच्छा, पर्लका का ट्रायल भी हमने यही डाला, यही वीडियो यही बनाया था हमने रूट रॉट के लिए। तो वो मैं बोलूंगा कि अभी प्लांट्स में नीचे शूट्स निकल चुके हैं, हाँ, और न्यू ग्रोथ भी आई है। ये प्लांट्स के अंदर न्यू ग्रोथ आई है, जबकि हम इसको प्लांट को शायद डेड मान के चल रहे थे ये। अच्छा जी, पत्ते भी कड़े हैं इसके अभी तो काफी अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है इसका। हाँ जी, तो ये है कि अगर आप देखेंगे तो लीव्स का जो है ना वो 35 साल के प्लांट्स में भी पत्तियां जो है ना, हाँ जी, चौड़ी चौड़ी पत्ती। रॉयल का पेड़ आपका? रॉयल, रही रॉयल है, देखे आप है ना, है ना? अभी मैं एक और जिस तरह फ्रूट जो है ना अपना शेप और साइज ले रहा है रॉयल ना, अच्छा जी, तो उसमें पत्तियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हाँ जी, हाँ जी, और कैल्शियम बोला जाता है कि कैल्शियम का बहुत बड़ा योगदान होता है। हाँ जी, हाँ तो जी। अभी जो है वो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा ये काम कर रहा है। ये एफिड आया था इसमें? एफिड तो आता है, वो अब इतना तो स्प्रे बीच बीच में करते रहते हैं, लेकिन कई बार आ जाती है, तो अब उसको किया नहीं जा सकता है, समय समय पे टाइम हो। 5 बने में इसका पूरे है ना ये। अभी इसको आप अगर जैसे हम छोटे प्लांट्स में बरसात में मैं अभी देखो मैं बरसात में
रूट रॉट वाले प्लांट्स में अभी आधा आधा केजी और डालूंगा बरसात में, और बाकी छोटे प्लांट्स में डालूंगा वहाँ इसकी ग्रोथ हैबिट, क्योंकि मैंने छोटे प्लांट्स में भी एप्लीकेट नहीं किया है तो हम इसको बरसात में करेंगे मल शीट उठा के उसके बाद एप्लीकेट। सबसे बढ़िया है कि हम जो जिन प्लांट्स में रूट रॉट की शिकायत आ रही है या आ चुकी थी उनमें हम जरूर हाफ हाफ केजी जो पर लगा डालेंगे, उसके बाद उसका जो फीडबैक है वो नवंबर तक पता लग जाएगा किसने काम किया है। अच्छा जी, नहीं मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। और छोटे प्लांट्स में भी डालेंगे आप ग्रोथ के लिए? इसको डालेंगे जुलाई फर्स्ट वीक में डालेंगे। अच्छा, इसकी अभी नहीं डालेंगे, जुलाई फर्स्ट वीक में मल्च मैट रिमूव करके फिर पर्ल का डालेंगे इसमें। अच्छा जी, तो संजीव भाई अभी तक आपका पैसा वसूल है पर्ल का के लिए? अभी तो आधे ही रिजल्ट देखे आपने। मेरे हिसाब से अभी तक तो मेरा पैसा वसूल है, बाकी अब 90 दिन जिस दिन पूरे हो जाएंगे और जब फ्रूट जो है वो अपने पूरे कुछ छोड़ेगा कुछ पता लग जाएगा तो फिर हम इसको पूरे मार्क्स देंगे। अभी अच्छा थोड़ा सा टाइम लगेगा हमारे को, पर अभी से खुश है हम कि इस बार हमने पर्ल का डाला तो वो अलग अपना ऑर्चर्ड अलग दिखता है और दूसरों से अलग दिखता है, पत्ते गाढ़े रंग के हैं, हरे रंग के। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं किसी केमिकल के साथ पर्ल का को डालता तो मुझे पता नहीं लगता कि इस खाद ने कितना काम किया। मैं ये बोल रहा हूँ इस साल 2019 में अक्टूबर के बाद इस ऑर्चर्ड में किसी भी तरह का केमिकल नहीं डाला गया सिवाय पर्ल का जो हमने वो डाली थी 500 ग्राम अच्छा जी 500 से 600 ग्राम पर हमने जिस तरह से आपने बोला था हमने उसी तरह से इसको डाला है। अभी दाने अभी भी दिख रहे हैं पर्ल। हाँ जी, नहीं मैं बताना चाहूंगा जी, एक चीज ऐड करना चाहूंगी, पर्ल का रेजिड्यू फ्री खाद है, चूनियर कोयले से मिलता है, तो ये केमिकल की श्रेणी में एज डेफिनेशन आता है, बट इसका कोई रेजिड्यू फल और पत्ती में नहीं आता, है। सबसे बड़ी बात है लीचिंग स्लो स्लो, मतलब धीरे धीरे पौधे को मिलता रहता है। हाँ जी, वो तभी हुआ है कि जो लीव्स है उसमें धीरे धीरे दिन ब दिन कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि इस बार बारिश भी अच्छी हो रही है, धीरे धीरे बारिश फिर भी नहीं बहाए, देखो खत्म फिर भी नहीं हुआ पल का, धीरे धीरे जो है ना बारिश में ना उसका इम्पैक्ट दिख रहा है, मतलब अगर सूखा होता शायद इम्पैक्ट इतना जल्दी ना दिखता, लेकिन अभी मैं रोज ऑर्चर्ड में आके जो है इन चीजों को ध्यान से देखता हूँ तो कहीं ना कहीं, मतलब इस बार मैं अपनी जो पत्तियां हैं उससे मैं पहली बार इतना ज्यादा खुश हूँ कि पत्तियां बहुत अच्छी। ये कौन सी पत्ती है? ये रेड गोल्ड है। रेड गोल्ड है, देखो रेड गोल्ड का भी काफी, इसका पत्ता ऐसे ही बड़ा होता है पर ये छह सात। सबसे बड़ी बात है कि पत्तों में क्लोरोफिल डार्कनेस बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी बात देखो संजीव भाई, अभी हम मई मिड में 14-15 सेंटीमीटर का पत्ता है, एंड तक और इम्प्रूव होगा पत्ता, वो तो ज्यादा ज्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना जी, है ना जी। बाकी संजीव भाई आप बागवानों के लिए मैसेज पल का? मैसेज बेसिकली इस खाद को हमने, मेरा अपना व्यू है, मैंने डाला है। हाँ जी, अभी इस हिसाब से इस साल जो है मैं इससे काफी खुश हूँ। अच्छा जी, वो जरूर डालते समय आपसे जरूर जानकारी लें, इसकी प्रॉपर जानकारी डालना कैसे, हाँ वो बहुत जरूरी है। अगर इसको बगैर जानकारी के डालते हैं तो हो सकता है कि नेगेटिव भी आता है, तो इसलिए मैं बागवानों से यही अनुरोध करूंगा कि पर्ल का डालें जरूर, लेकिन उसके लिए जो कंपनी के जो भी अधिकारी कर्म उनसे संपर्क जरूर बनाएं इसके बारे में, तो वो बहुत जरूरी है। अगर वो गलत एप्लीकेशन करते हैं तो हो सकता है उसका नुकसान भी कुछ ऑर्चर्ड को झेलना पड़ सकता है, ढंग से अगर आपको प्रॉपर तरीके से इसकी एप्लीकेशन करेंगे तो फ्यूचर में आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू संजीव भाई, धन्यवाद, थैंक यू बहुत बहुत। मैं एक बार पल्का का वो दिखा देता हूँ जो फार्मर्स को नहीं पता है, जो नए हैं पहली बार देख रहे होंगे वीडियो की पल्का क्या चीज है। तो ये है पल्का का बैग, ये खाद है, है ना। इसके बारे में हम संजीव जी के रिव्यूज ले रहे थे कि इन्हें कैसा पसंद आया पल्का, है ना। और देखिए आप इनके पूरे बगीचे में, मुझे तो बहुत अच्छे रिजल्ट लग रहे हैं, बट अभी जितने आते हैं पल्का के उससे